सुबह सुबह आज हमारे घर में जो नाश्ता बना है वो है आलू के गुटके, गरम गरम पूरियां और साथ में पहाड़ी रायता। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। नमस्ते, पहला करना, मैं हूँ निर्मला और स्वागत है आपका मेरे चैनल निर्मला कठैत में। और सुबह सुबह अभी बन रहा है नाश्ता, तो आज बन रहा है एकदम पहाड़ी नाश्ता, आलू के गुटके, रायता और पूरी। तो चलिए बनाते हैं। इसमें जाएगा सबसे पहले सरसों का तेल, जीरा डाल देंगे, आलू हल्दी लाल मिर्च और साथ में हरी मिर्च। धनिया पाउडर जीरा पाउडर स्वाद अनुसार नमक और इसको खूब हिलाएंगे अच्छे से सब जगह जो कि मसाला लग जाए। और जो बड़े टुकड़े हैं तो थोड़ा कट कर लेंगे। करेंगे रायता बनाने की तैयारी। तो पहले डालेंगे हरी मिर्च, धनिया, धनिया बहुत ज़्यादा है बस इतना, और नमक, हल्का सा जीरा और इसको कूट लेंगे। ये नमक बनके तैयार। पहाड़ी रायते का एक अलग स्वाद होता है, वो आता है राई से। तो इसमें हम राई को हल्का सा पीस लेंगे। राई एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है तो इसे बहुत कम डालना पड़ता है। तो इमाम दस्ते में मैं इसको पीस लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। कद्दूकस किया हुआ खीरा हम डालेंगे। इसमें डालेंगे हल्की सी हम हल्दी थोड़ा सा कलर के लिए। और अब डालेंगे नमक पिसा हुआ, नमक। इसमें हरी मिर्च भी है तो लाल मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं है, तो ये यहाँ पर पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए डालेंगे राई, राई बस इतना ही पड़ेगा। तो इन सबको कर लेते हैं मिक्स। हरी मिर्च और अब डाल देंगे जीरा मसाला थोड़ा सा। तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा रायता तैयार हो चुका है, आलू के गुटके तैयार हो चुके हैं, तो बना लेते हैं पूरियाँ। तो गर्मा गर्म पूरी आलू के गुटके और रायते के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ों में तो अधिकतर घरों का ही खाना है कि आलू के गुटके के साथ पूरी और रायता। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपको पसंद आया हो इन तीनों चीज़ों का तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और रेसिपी पसंद आई हो, विशेषकर जो रायता है उसमें राई का जो फ्लेवर है उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल निर्मला कठैत को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।